आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है सो so काइंडली उसको जरूर देखिए क्योंकि वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑफ क्लास तो इसको समझने के लिए प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि आप क्लास सेवन का वीडियो जरूर से देखें सो लेट मी प्रोसीड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई कार्ड पर लिंक शेयर किया हुआ है नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स अब ये सब जो है यहाँ पे जो टर्म्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दीज आर न्यू तो इसीलिए थोड़ा सा अटेंटिवली फॉलो करिए द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी दिस इज द सिंबल ओके इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच टू ए और बी और बोथ लाइक फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी ए कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एन एफ एंड बी कंसिस्ट ऑफ ए आई ओ यू देन ए यूनियन बी क्या होगा ए यूनियन बी हो जाएगा ऑल दी दिलीमेंट प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी एज यू कैन सी ए तो दोनों में है कॉमन है ए बी C, D, E, F, I, O, U. Clear? Again, if A is 1, 5, 9 and B is 0, 2, 4, 6, 8, 10, then A union B consists of all the numbers present in A as well as B. As you can see, 1, 5, 9, A ka elements hai and 0, 2, 4, 6, 8, 10, B ki elements hai. Right? And so on. Now, we are going to learn about intersection of sets. Now, what is it? The intersection of two sets A and B is written as A intersection B. This symbol inverted U that is read as intersection. Alright. It is a set consisting of all those elements which belong to both A and B. That means the element which is common to both the sets A as well as B. For example, as you can see on the screen. ए कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी एन एफ बी कंसिस्ट ऑफ ए यू देन ए इंटरसेक्शन बी मतलब की कौन सी एलिमेंट कॉमन है बोध द सेट में पहला एज वी कैन सी इज एन कम्स इ एर इ दोनों में है यानि ए में भी है और सेट बी में भी है सो दिस इज दंसर नेक्स्ट वन ए कंसिस्ट ऑफ वन फाइव नाइन B consists of 0, 2, 4, 6, 8, 10, then a intersection B. Now as we can see, yaha pe koi bhi number common. Hai. that means was set vacant hai, empty. Hai. So a intersection B is empty. Now difference of two sets. If A and B are two sets, then A minus b is the set consisting of all those elements. विच ंग्स टू ए बट दे डू नॉट बिलोंग टू बी वो कैसे ये देखिए इफ ए कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एन एफ एंड बी कंसिस्ट ऑफ ए ओ यू देन ए माइनस बी इज इक्वल टू अब जो चीज बी में है वो ए में नहीं होना चाहिए राइट सो ए माइनस बी मतलब कि डी एलिमेंट्स जो कि बी में है वो ए में नहीं होना चाहिए तो जैसे ये देखिए ए कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एन एफ एंड बी कंसिस्ट ऑफ तो आंसर क्या हो गया ए माइनस बी तो ये देखिए ए कट गया क्योंकि ए बी में है सो वी विल नॉट राइट ए बचा क्या बी जो कि बी में नहीं है सी जो कि बी में नहीं है डी जो कि बी में नहीं है अगेन ई कट जाएगा बिकॉज वो बी में है एंड नाउ वॉट इज लेफ्ट एफ सो बी सी डी एफ आर दिलीमेंट्स ऑफ ए माइनस बी और दूसरा हो गया बी माइनस ए अब उसका रिवर्स दलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए राइट right? तो क्या है अब ए जो है स्मॉल ए वो ए में है तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखे कॉपी e so नहीं किए सो आईओ यू आर दीज एलिमेंट प्रेजेंट इन ए नो सो दई ओ यू सो आई एंड रिमेम्बर दाइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे वन मोर एग्जाम्पल ए कंसिस्ट ऑफ वन फाइव नाइन एंड बी कंसिस्ट ऑफ जीरो टू फोर सिक्स एट टेन सो ए माइनस बी क्या हो गया ए b बी कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स विच इज प्रेजेंट इन सेट एनली तो ये देखिए सेट ए में था वन फाइव नाइन और बी का कोई भी नंबर इसमें नहीं है राइट right? अब देखिए बी माइनस ए तो हम लोगों को वही एलिमेंट्स लिखना है जो सिर्फ बी में है और ए में नहीं है सो वी आर स्टेट गोइंग टू कॉपी डाउन द नंबर्स विच आर इन सेट बी नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और अब हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बाई और ए एक डैश है और ए टू द पास सी एज यू कैन सी और राइट सो इस तरह से वो डिनोट किया जाता है नाउ इट इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू ए अब ये फॉलो करिए ये देखिए सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये देखिए इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए अब यहां देखिए ए ए में क्या है यूनिवर्सल सेट क्या है वन टू थ्री अपटर टेन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो वॉट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये देखिए ए के बगल में एक स्ट्रोक उसका सिंबल तो अब हम लोग को क्या लिखना है ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल माइनस द एलिमेंट ऑफ सेट ए तो इसमें से जो भी ए का एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे तो एस यू कैन सी क्लियरलीट से कंसिस्ट ऑफ ऑल दी ऑर नंबर्स वंबर्स आर देर बिटवीन वन टू टेन वी आर गोइंग टू राइट देम एस दी आंसर ऑफ द्लीमेंट ऑफ ए सो इट इज टू फोर सिक्स एट टेन वन देखिए सेट ए कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स राइट तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो गया द लास्ट ट्वेंटी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स क्यों क्योंकि ये जो इसका फॉर्मूला है प्लीज रिमेंबर दिस दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑलवेज यूनिवर्सल माइनस ए तो यूनिवर्सल में तो हो गया ऑल द ट्वेंटी सिक्स एल्फोबेट्स तो उसमें से ये सिक्स लेटर्स को माइनस करना है उसके बाद जो भी आंसर बचा वो आपको लिख देना है ना ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट्स टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग और ज्वाइंट इफ दे हैव वन एलिमेंट इन इन कॉमन अदर वर्ड्स टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो और एम्प्टी सेट्स राइट एग्जाम्पल देखिए सेट ए कंसिस्ट ऑफ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेट बी कंसिस्ट ऑफ जीरो थ्री सिक्स नाइन नाउ दे आर ओवरलैपिंग बिकॉज़ दे हैव एलिमेंट थ्री एज यू कैन सी हियर यज वेल एज सिक्स इन कॉमन तो सेट ए में भी थ्री और सिक्स है और सेट बी में भी थ्री और सिक्स है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू थ्री एंड सिक्स वल टू एम टी सेट अनादर एग्जाम्पल सेट बी कंसिस्ट ऑफ आवर्स एंड सेट क्यू कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड सी अब इसमें से देखते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है वन एंड ओनली ए विच इज कॉमन इन बोथ द सेट हेंस पी इंटरसेक्टिंग क्यू इज इक्वल टू ए एंड इट इज नॉट इक्वल टू एम टी सेट Next comes disjoint sets. Now two sets A and B are called disjoints or non-overlapping sets if they do not have anything in common. That means if A intersection B should be empty. That means waha pe kuch bhi common nahi hai. For example set A consists of 1, 3, 5, 7 and set B consists of the even numbers 2, 4, 6, 8, 10 they are disjoint set because they have no number in common. That means no element in common. Hence, A intersection B is equal to null or empty set. And one thing I would like to say is ki this book many examples. So my request is that please go through the examples and the given solutions. इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस ना क्वेश्चन नंबर वन सेट ए कंसिस्ट ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट नेक्स्ट सेट बी कंसिस्ट ऑफ थ्री 5 7 9 11 and set c consists of 0 5 10 and 20 so first we need to find the first part of question number 1 a union b so a union b that means the elements which are present in both a as well as b तो उसका आंसर क्या हो गया वी आर गोइंग टू कॉपी एवरीथिंग सो लेट अस बिगिन जीरो सेवन एट नाइन एंड इलेवन याद रहे इसमें टेन नहीं है ब्रैकेट क्लोज्ड नेक्स्ट वन इट इज ए यूनियन सी डेट मीन्स एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन एज वेल एज सी सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब यहां देखिए नाइन नहीं है टेन उसके बाद क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज Third one, it is B union C. So B and C. So I'll start with 0, 3, 5, 7, 9, 10, 11, and 20. Kaffee easy na? It is actually very easy if you follow them. Fourth one, A intersection B. The elements which are common in A as well as B. So, what is this? 3, 5, 7, bracket closed. Now, the fifth part is A intersection C. What is this? So, it is 0 and 5. Sixth one, it is B intersection C. So, elements which are

ब्रैकेट क्लोज और वो क्या हो गया बी यूनियन सी मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट सो यहाँ देखिए बी यूनियन सी कितनी एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो उसका आंसर हो गया एट दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर नेक्स्ट वन इट इज ए इंटरसेक्शन बी तो कार्डिनल नंबर के लिए इस तरह से एंड लिखिए ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वन टू थ्री दिस इज दी आंसर नेक्स्ट वन ए इंटरसेक्शन सी सो ए इंटरसेक्शन सी वन एंड टू एंड द लास्ट वन इट इज बी इंटरसेक्शन सी One. So question number one completed.